शहर में ऑनलाइन गेम फ्रॉड के मास्टरमाइंड सोंटू जैन को कुछ दिन पहले नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आज फिर सोंटू जैन को नागपुर पुलिस गोंदिया लेकर आई और मुख्य बाजार इलाके में स्थित उसकी कुर्ता दुकान पर छापा मारा और दुकान से कुछ दस्तावेज जब्त किए। अब ये देखना अहम होगा कि गोंदिया से फिर किसका नाम आता है और नागपुर पुलिस किसके यहाँ छापेमारी करती है। सबसे पहले सोंटू जैन के घर पर छापेमारी कर 17 करोड़ कैश, 12.5 किलो सोने के बिस्किट, 300 किलो चांदी जब्त की गई। इसके बाद नागपुर पुलिस ने गोंदिया स्थित एक्सिस बैंक में सोंटू जैन के लॉकर की जांच करने के लिए बैंक मैनेजर को पत्र दिया। वहीं बैंक मैनेजर अंकेश खंडेलवार और डॉक्टर बग्गा ने अपने साथ मिलकर सोंटू जैन के लॉकर से सोने के बिस्कुट और नकदी को एक ही दिन में 3 लॉकरों में रख दिया। इस पर पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने आगे की जांच की और कुछ दिन पहले गोंदिया के बैंक मैनेजर और परिचितों को गिरफ्तार कर लिया। और डॉक्टर सोंटू जैन की जान पहचान है। बग्गा के घर से 70 लाख रुपये नकद और 2 किलो सोना जब्त किया गया था। गोंदिया से बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।